और ये जुगाड़ मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा देने वाला है। देखिए इस तरीके से बनकर रेडी हो गया। कुछ इस चाहते हो तो इससे कुछ भी बना सकते हो। तो इसलिए तरीके से मोबाइल पकड़ के अपने वीडियो देखते हो तो उतना मजा नहीं आते, तो इसलिए यहाँ पर रख देने हैं। और उसके बाद देखिए इस तरीके से रख देना। दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप भी हजारों हजारों पैसा बचा सकते हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो फाइनली गाइस देख सकते हो हमारे पास एक स्मार्टफोन का चार्जर है। और गाइस सभी लोगों को इस तरीके से स्मार्टफोन का चार्जर रहती है क्योंकि आप भी मोबाइल इस्तेमाल करते हो, तो सभी के पास इस तरीके से स्मार्टफोन का चार्जर तो जरूर रहती है। लेकिन ये चार्जर खराब हो जाते तो क्या करते, आप फेंक देते हो। लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि हमारे वीडियो देखने के बाद आप भी घर पर आसानी तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो फाइनली गाइस हमारे ये तो चार्जर खराब है या तो नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि ये चार्जर मैंने कहाँ से लाया है, कबाड़। और गाइस कबाड़ में तो सभी सामान जो खराब रहती है, तो गाइस अगर ये सामान जो अच्छा निकल जाते हैं तो गाइस हमारे लाखों पैसा बच सकते हैं। क्योंकि मतलब यहाँ पर जो ये चार्जर रहती है जो डेड हो चुका है तभी यहाँ पर लोगों बेच देते हैं। और मैंने कबाड़ से लाया है और यहाँ पर टेस्ट करके देखने वाले सच मुझे ये खराब है या तो सही है। अगर ये सच मुझे सही निकल गया तो हमारा पैसा भी बहुत बचने वाला है। तो फाइनली गाइस फटाफट हम टेस्टिंग कर लेते हैं ये खराब है या तो सही। तो गाइस जो टेस्टिंग करने के लिए डायरेक्ट अपने मोबाइल में नहीं लगाने वाले, मतलब ये केवल लगाकर अपने मोबाइल में नहीं लगाने वाले, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एसी भी वोल्टेज आ सकती है। तो उसके लिए मैंने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जो देख सकते हो कुछ इस तरीके से जुगाड़ बनाया है। और ये जुगाड़ मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा देने वाला है और देख सकते हो ये जुगाड़ लग गया है। पावर सप्लाई में लगाकर और ऑन करते हैं, अगर ये जो एलईडी बल्ब ग्लो करेगा तो ये अच्छा से काम करेगा, मतलब ये सही है। और नहीं ग्लो करेगा तो फिर देखने वाले रिपेयर करके ये सही होता है या तो नहीं, फिर आपके सामने दिखाने वाले। तो चलिए फटाफट हम जाने वाले पावर सप्लाई में लगाकर। फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पावर सप्लाई यहाँ पर जो कनेक्शन है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगा देते हैं, जो देखिए यहाँ पर लगा दिया है। और फिर देखने वाले यहाँ पर नीचे पावर को ऑन करने के बटन दिए गए, वहाँ पर बटन को हम ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। गैज ये तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये बिल्कुल डेड हो चुका है। जो देख सकते हैं यहाँ पर जो बल्ब नहीं इंडिकेट कर रहा है, मतलब नहीं ग्लो कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो जो पावर आया है या तो नहीं, फिर देखने वाले तो गैज यहाँ पर पावर आ सकते हैं। और देखिए ये जो मैंने यहाँ पर जुगाड़ बनाया वो जुगाड़ जो काम कर रहा है या तो नहीं, वो भी यहाँ पर लगा कर ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जुगाड़ मैंने बनाया है वो जुगाड़ देखिए सही है तो किस तरीके से वर्क करेगा। तो गाइस ये जुगाड़ मैंने बनाया है जो जुगाड़ देखिए ये काम कर रहा है, मतलब ये जो चार्जर सही है तो ये ग्लो कर सकते हैं बल्ब जो देख सकते हो। तो मतलब समझ गए ये खराब है, बिल्कुल डेड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सही करके किस तरीके से सही करना पड़ेगा। तो देख सकते हो बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो गाइस ये एक रिपेयर करने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर जो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ढक्कन लग रहे थे, तो गाइस वो ढक्कन को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा ढक्कन को। फाइनली देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ढक्कन को निकाल लिया है, जो देख सकते हो यहाँ पर इसका प्लग है और यहाँ पर अंदर ये मशीन है। तो गाइस ये मशीन को भी बाहर निकालना पड़ेगा, तो प्लास को सहायता से कुछ इस तरीके से बाहर हम निकालते हैं मशीन को। तो गाइस इस ढक्कन के अंदर से मैंने यहाँ पर जो मशीन को निकाला है, जो यहाँ पर सभी कनेक्शन इसी के अंदर रहते हैं ये बोर्ड के अंदर में। और गाइस ये बिल्कुल डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, जो देख सकते हो ये मशीन जो कुछ इस तरीके से डैमेज हो गया है। मशीन मैंने निकाला है और गाइस ये मशीन के अंदर में से यहाँ पर पार्ट भी टूट गया है, फूट गया है। और यहाँ पर आईसी जो लग रहे थे आईसी जो गाइस आईसी भी यहाँ पर जल गया है। और ये रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाने वाला है, इसलिए यहाँ पर रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि जो थोड़ा मोड़ा होता है जो डायोड और एक आईसी जो चेंज करना पड़ेगा तो सही हो जाने वाला है। लेकिन गाइस यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सामान जल गए, तो गाइस बिल्कुल ख़राब है। तो गाइस ऐसा कंडीशन आपको करना क्या है, वो नॉर्मल ख़राब है तो गाइस रिपेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डेड कंडीशन है तो गाइस फेंकना पड़ेगा ये चीज़ को। और ये चीज़ को कभी भी मत फेंकना, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने जुगाड़ बनाया है वो भी मेन जुगाड़ है। क्योंकि ये जुगाड़ किस लिए मैंने बनाया है, अगर प्लग टॉप आप मार्केट जो खरीदने जाते हैं तो गाइस प्लग टॉप का करीब करीब आपको 10 से 20 रुपए के प्राइस में पड़ते हैं। अगर आप ज़्यादा एम्पिरिक लेते हैं तो गाइस 50 से 55 रुपए का साइड का प्राइस में पड़ जाता है। लेकिन गाइस ये बहुत परफेक्ट काम करने वाले हैं आपको टू पिन प्लग सॉकेट। तो गाइस वो के लिए मैंने किस तरीके से क्या क्या करना वो भी दिखाने वाला है। गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो गाइस यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट को जोड़ देना है, मतलब कनेक्शन कर देना है। तो वायर को बाहर निकालना है और वहाँ पर बल्ब लगा सकते हो, यहाँ पर तो बोर्ड को कनेक्शन जो भी आपको मर्जी है वो भी कनेक्शन कर सकते हो। और उसके बाद अपने पावर सप्लाई यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस जो जुगाड़ एक अच्छा काम करेगा, क्योंकि घर में रहते ख़राब चीज़ तो वह सब कुछ जुगाड़ तो बनाना पड़ेगा। और हाँ गाइस अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर एक होल्डर भी लगा सकते हो, और होल्डर लगा कर आप कहाँ पर भी लगाकर इस तरीके से बल्ब लगा सकते हो। तो फाइनली गाइस हम वो भी दिखा देते हैं आपको सामने। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देखिए एक होल्डर है, और ये होल्डर को देखिए मैंने किस तरीके से जुगाड़ बनाया है। तो गाइस ये बोर्ड है, और गाइस बोर्ड में लगा देना इस तरीके से, और ये होल्डर को कुछ इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर रख देना है। और यहाँ पर ग्लू गन से या तो कोई चीज़ से आप जुगाड़ से अपने इस्तेमाल करके यहाँ पर जो चिपका देना है। और देखिए इस तरीके से बनकर रेडी हो गया कुछ इस तरीके से जुगाड़।
और ये जुगाड़ कहाँ पर काम आने वाला है, अगर आप यहाँ पर बल्ब को रिपेयर करने वाले हैं या आपको जुगाड़ को कुछ तरीके से तो प्लग में लगा देना है, मतलब पावर सॉकेट में लगाना है और वहाँ पर बल्ब को चेक कर सकते हो, नहीं तो कहीं जगह अपने होल्डर में लगाकर वहाँ पर बल्ब भी जला सकते हो। और नहीं अपने चाहते तो कुछ डिफरेंट करने के लिए तो ये इस तरीके से करना है और यहाँ पर फिर से यहाँ पर चिपका देना है इस तरीके से और बोर्ड में लगा देना है और बल्ब को जला देना है। तो इस तरीके से ढांचा बन गया कुछ इस तरीके से। फाइनली गाइज अगर आप चाहते हो तो इससे कुछ भी बना सकते हो, तो इसलिए मैंने बात करने वाले जो रिपेयर करने के लिए उतना नहीं, अगर सब कुछ जो खराब निकल गया बोर्ड के साथ तो रिपेयर करने के लिए झंझट खत्म कर दो और ये चीज़ बचाओ, लाखों पैसा बचा सकते हो, मतलब नया नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, नया नया काम भी कर सकते हो अपने घर में देसी जुगाड़ से। स्मॉल पकड़ के अपने वीडियो देखते हो तो उतना मज़ा नहीं आते, तो इसलिए यहाँ पर रख देने हैं और उसके बाद देखिए इस तरीके से रख देना और देख सकते हो आप और अच्छे तरीके से वीडियो देख सकते हो, तो ये भी जुगाड़ आपको घर में काम आ सकती हो। और चाहते हो तो इस तरीके से रखिए और मोबाइल भी अपने चला सकते हो इस तरीके से। तो गैज बहुत अच्छा जुगाड़ है गैज अपने घर पर आसान तरीके से, ऐसा जो खराब हुआ चीज़ को फेंकना कभी भी मत, अपने नए नए तरीके से कुछ कुछ जुगाड़ बना सकते हो। तो गैज आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कर देना और गैज ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो चार्जर जो खराब हो जाते हैं तो गैज सभी बंदे क्या करते हैं फेंक देते हैं, लेकिन इसका रीज़न नहीं पता होता ये चार्जर को, फिर अपने घर में क्या क्या चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गैज वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो गैज चलिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो में बात करें, तब तक के लिए बाय बाय।